हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अदानी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है अदानी पोर्ट्स के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड अवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में सबको पता है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कंपनी है इंडिया में। तो कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इंपॉर्टेंट फिगर्स ही चेक करेंगे। तो 1,48,848 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 29.3 की पी है, 11.2% है कंपनी की ROCE एंड 14.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 13.4% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड 8.71% है, फेस वैल्यू 2 रुपए की है एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.4% प्लेज हो रखा है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। कंपनी 19.99% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, डेब्टर डेज इंप्रूव हुई है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 1.71% इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में एंड लास्ट 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ है, मीडियम सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, वो है 18.72%, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही एक बढ़िया नंबर है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है, टैक्स रेट सीम्स लो एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी 3845 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 1024 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 15,934 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 4728 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक जबरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और अगर देखा जाए तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स फिगर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के प्रॉफिट को कंपेयर किया जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 से, तो FY 2021 के कंपैरिजन में कंपनी कम प्रॉफिट पोस्ट किया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट है, मतलब रिजर्व से ज्यादा डेट है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 2994 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंक्रीज होकर इंप्रूव होकर 4630 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव कैश फ्लोज हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, FIIs ने एंड DIIs ने दोनों ने अपनी होल्डिंग कम किया है इन दिस कंपनी। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है इन मार्च क्वार्टर। पब्लिक में अगर देखा जाए तो देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर का होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.84% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पोर्ट। अगर पोर्ट के मामले में देखा जाए, इस सेक्टर के मामले में देखा जाए, इस सेक्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एक ऑप्शन के तौर पर ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना, कंपटीशन नहीं है मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकेला प्लेयर है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस सेक्टर में, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी बहुत कम है। तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया कंपनी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को ये कंपनी मिल रही है, बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो एंड ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस भी है इस कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन या तो फिर एंट्री प्लान कर सकते हो। ये तो हो गया उन लोगों के बारे में डिस्कशन जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। अभी डिस्कस
सकते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, जब यहाँ से कंपनी रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 770 रुपीज़। सेकंड टारगेट होगा 852 का एंड थर्ड टारगेट आप लोगों के सामने है, जो कि ऑलमोस्ट 52 ही हाई है इस कंपनी की, एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।